हाय फ्रेंड्स, स्टडी विद PRMT यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज से एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें जो कि 2016 में जो NTPC का जो पेपर हुआ था उसके जितने भी साइंस के क्वेश्चन होंगे, साइंस GS के, साइंस करंट प्लस GS जितने क्वेश्चन होंगे उसको हम कवर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप स्टडी विद PRMT यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। इससे ये होगा, मैं जब भी कोई रेलवे से रिलेटेड वीडियो अपलोड करूँगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ जो पेपर होगा, जो पेपर है यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर जो पेपर हुआ था, पेपर यहाँ पर है, ठीक है। अगर आप इसको पेपर को डाउनलोड करना चाहते हैं, जो पूरा पेपर है, मैं इसको पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, एक भी पैसे नहीं लगेगा आपका। तो एक मैंने वीडियो में बताया कैसे उसको डाउनलोड करना है, तो उस वीडियो की जो लिंक होगी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, आप वहाँ से उसको जाके सिंपली डाउनलोड कर लीजिएगा वहाँ से। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर, जीवों और पर्यावरण के बीच अनोन्य क्रिया के वैज्ञानिक विश्लेषण और अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैडमिंटन खेल में निम्न में से कौन सा एक हार्ड हिट ओवर हेड शॉट है जिससे शटल को प्रतियोगी के पाले में तेजी से नीचे की ओर हिट किया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि स्मैश। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर कुछ याद नहीं करना है, कुछ नोट्स नहीं करना है, चुपचाप बस आपको वीडियो को देखना और सुनना है, जिससे फ्रेंड्स आपको सिंपली जितने भी क्वेश्चन आए थे आपको याद हो जाएंगे। क्या होता है कि अगर आप किसी से सुनते हैं और देखते हैं तो वो जल्दी याद होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक प्रिंटर की गति को मापने के लिए निम्न में से कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पृष्ठ प्रति मिनट यानी PPM, पृष्ठ पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक किस वंश के थे? तो फ्रेंड्स, ये जो सम्राट अशोक थे ये मौर्य वंश के थे। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, मौर्य वंश के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से मस्जिदों में से किसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा किया गया था? इसका ऑप्शन और फर्स्ट सही हो जाएगा, जामा मस्जिद जो कि दिल्ली में स्थित है, ऑप्शन और फर्स्ट। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि RRB जो ग्रुप डी की जो पेपर हुआ था उसकी भी मैंने वीडियो बना चुका हूँ, तो उसकी प्ले लिस्ट की भी लिंक दे दूंगा, आप उसको भी आराम से आप देख सकते हैं। अगर आपको डाउनलोड उसकी जो PDF थी, जो पेपर हुआ था उसको डाउनलोड करना चाहते हैं, 135 रुपये में जो हुआ था, तो भाई उसकी भी मैं लिंक दे दूंगा, आप आराम से उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका को किस वर्ष डोमिनियम ऑफ सीलोन के रूप में स्वतंत्रता प्रदान की गई थी? इसका ऑप्शन और फर्स्ट हो जाएगा, 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक का नाम होमो सेपियंस का क्या अर्थ होगा, यानी कि बुद्धिमान मानव, यानी कि बुद्धिमान आदमी? इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश को 2011 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी? इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दक्षिण सूडान, साउथ सूडान को 2011 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर निर्माता अर्थात उपयोगकर्ता द्वारा एक बार प्रोग्राम किए जाने के बाद निम्न में से किसको संशोधित नहीं किया जा सकता? इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो ये रोम होता है इसको संशोधित नहीं किया जा सकता, लेकिन यहाँ पर जो रैम है, EEPROM है और EPROM है, इसको आप संशोधित कर सकते हैं, लेकिन जो यहाँ पर रोम होता है इसको संशोधित आप नहीं कर सकते, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था? तो जो जलियांवाला बाग जो 1905 में हुआ था, इस जो इक्कीस किसने ऑर्डर दिया था? इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, कर्नल रेजिनॉल्ड डायर ने। बस आपको इतना याद करना है कि जो डायर ने ही आदेश दिया था, बाकी ऑप्शन से आप कर लेंगे, कर्नल रेजिनॉल्ड ये सब जो है आप जिसके नाम पे आप आराम से कर लेंगे ऑप्शन के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सत्य है? इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सत्य ऑप्शन सही है,
दिया है रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पिच ब्लेड से प्राप्त किया जाता है। रेडियम को पिच ब्लेड से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 जुलाई 2015 को उड़ान भरने वाला नासा नासा का पहला अंतरिक्ष यान कौन सा है, जिसका उद्देश्य प्लूटो की यह प्रणाली पर आधारित डेटा एकत्र करना है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, न्यू होराई जंस को। इसका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2016 में दुनिया की सर्वप्रथम तेजी से ऊपर असर करने वाला रेबीज रोधी दवा का लॉन्च किस देश में किया गया था? इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कि जो कि इसको इंडिया में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड किसका रासायनिक सूत्र है? ये हो जाएगा, जो नमक होता है उसका है, लवण का ये रासायनिक सूत्र है NaCl। इसमें बताते हैं फ्रेंड्स कि जो Na होता है प्लस चार्ज होता है, और जो क्लोरीन होता है Cl वो माइनस चार्ज होता है। इसका ऑप्शन नंबर थ्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2019 रग्बी विश्व कप की मेजबानी कौन देश करेगा? इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जापान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CRISPR का क्या अभिप्राय है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसका यानी फुल फॉर्म पूछा गया है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम खेलिया किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो फ्रेंड इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि बिहार का, ये राम खेलिया ये बिहार का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सर्किट का प्रतिरोध दोगुना किया जाता है, तो वोल्टेज को समान रखने के लिए सर्किट में प्रवाहित विद्युत धारा कितनी होगी? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आधी घट जाएगी, ऑप्शन नंबर बी आधी घट जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अव्यवस्थित वाक्यों में से एक सार्थक वाक्य बनाने के लिए उस व्यवस्थित करें। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, जो दिया है इसमें सबसे पहले आपको ढूंढना होगा, जैसे कि ये जो इंग्लिश का एक कोई वाक्य है उसको चार भागों में बांट दिया, इसको आपको सही करना है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट ढूंढना होगा, इन सब्जेक्ट किस में है, द ग्रोथ इज ह्यूमन पॉपुलेशन, यानी कि जो इसमें हो गया ह्यूमन पॉल्यूशन, ठीक है। अब इसके बाद हमको ढूंढना हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब किस में आ रहा है, इसमें एस में देखेंगे। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब मिला, हाँ हेल्पिंग वर्ब प्लस प्लस वर्ब, यानी कि अराउंड द वर्ल्ड हैज अफेक्टेड, यानी कि अब इसमें ढूंढना हमें, अब सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया और वर्ब भी हो गया, अब हम उसको ऑब्जेक्ट ढूंढना है। ऑब्जेक्ट मिल जाएगा इसमें अब, हाँ, आल पीपल आल थ्रो इट्स इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी एंड इन्वायरमेंट। इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, QSPR, यानी कि पहले में यहाँ पर हमारा मिल गया, यहाँ इसमें यहाँ पर मिल गया हमारा वर्ब, अरे सॉरी सब्जेक्ट मिल गया, इसमें से हमारा मिला यहाँ हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, यहाँ मिल गया, ठीक। अब इसके बाद पी में आएंगे, पी में आने के बाद हमको यहाँ ऑब्जेक्ट मिल गया, इसके बाद जो अदर वर्ड होगा यहाँ पर इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंट, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली में स्थित भारतीय संसद भवन की रचना को किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सर एडविन लुटियंस और सर हर्बर्ट बेकर ने तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसे किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? तो इसमें जो होता है आप ये यकृत, यकृत कोशिका, मांसपेशी कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका, इसमें पाया जाता है, लेकिन जो लाल रक्त कोशिका होती है इसमें नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्राणी के जीनोम को नवंबर में प्रकाशित किया गया था, जो 10 वर्ष तक बिना भोजन पानी के जीवित रह सकता है और मांस मांस पिंकलेट के रूप में भी जाना जाता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टार्डीग्रेड, इसका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्रहों में से किस ग्रह का कोई भी चंद्रमा यानी उपग्रह नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी शुक्र, शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री पद हेतु नामित किए जाने के लिए एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 25 वर्ष।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो हजार तेरह में प्रक्षेपित किया गया भारत का पहला विशेष रक्षा उपग्रह निम्न में से कौन सा है? इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा GSAT-7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अंतरिक्ष में पाया जाने वाला प्रथम मानव कौन था? वह अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला प्रथम मानव कौन था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यूरी गागरिन। तो यहाँ पर जो फ्रेंड्स जो पहला ऑप्शन है नीला आर्मस्ट्रांग, ये सर्वप्रथम चंद्रमा पर उतरे थे, और जो ये अंतरिक्ष में यात्रा किए थे ये थे ऑप्शन नंबर बी यूरी गागरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय बाघों की घटती आबादी के संरक्षण के लिए शुरू की गई भारत की सर्वाधिक प्रसिद्ध वन्य जीव वन्य संरक्षण परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर कौन से वर्ष में शुरू किया गया था? इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1973 में शुरू किया गया था। तो फ्रेंड्स आपको कमेंट करके बताना है कि जो प्रोजेक्ट टाइगर है ये किस राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी निम्न में से किस देश से होकर प्रवाहित नहीं होती है? इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नेपाल, नेपाल में ये नहीं बहती है, लेकिन चीन बांग्लादेश और भारत में ये ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में उल्लिखित आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं? जो वित्तीय आपातकाल था वो सॉरी आपातकालीन जो प्रावधान था किस देश से लिया गया? तो ऑप्शन नंबर सी जर्मनी से लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसमें केसर की खेती की जाती है? इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जम्मू कश्मीर में केसर की खेती की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जर्मन वैज्ञानिक ने एक्स किरणों की खोज की थी? इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विलहेम रोएंट जेन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस यमनी पत्रकार और राजनेता को मानव अधिकारों के क्षेत्र में उसके योगदान के लिए 2011 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, वो कौन थे? इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तवाकुल कर मान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुओं की प्रजातियां ज्यादातर किसके कारण लुप्त हो रही हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आवास विखंडन के कारण। इसका ऑप्शन नंबर ए आवास विखंडन के कारण जो पशु प्रजातियां हैं वो नष्ट होती जा रही हैं, खत्म लुप्त होती जा रही हैं, जो कि समाप्त हो रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल तत्वों के आवास सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेंडलीव, ऑप्शन नंबर सी मेंडलीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होमोसेफियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले प्रारंभिक होमिनाइड्स कौन थे? इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्रोमैग्नन, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्रोमैग्नन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मानव जीव में औसतन कितनी स्वाद कलिकाएं मौजूद होती हैं? इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2000 से 8000 तक होती हैं, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफेद रेगिस्तान भारत के निम्न राज्यों में से किस में स्थित है? इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशु के भीतर कितनी हड्डियां होती हैं? इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 350। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण नहीं है? इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा माइक्रो एक्सेल, जो ये वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण नहीं है, लेकिन यहाँ पर गूगल डॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, आईबीएम, लोटस सिंफनी, ये सब प्रोसेसर के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किंग जॉर्ज पंचम द्वारा सॉरी किंग जॉर्ज पंचम तथा क्वीन मैरी की यात्रा की याद में सन 1911 में भारत का कौन सा लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गेटवे ऑफ इंडिया, जो कि कहाँ स्थित है आपको कमेंट करके बताना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बाबर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1981 में इसरो द्वारा प्रक्षेपित भारत के पहले जियो स्टेशनरी उपग्रह का नाम क्या है? इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एप्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 ए में निम्न में से किस अधिनियम का उल्लेख किया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शिक्षा का अधिकार का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय ने 2014 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था? इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कैलाश सत्यार्थी ने जीता था। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन था आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।